अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर कई चोट आई है। मौत के कारणों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। एक टीम जांच के लिए शुक्ला के घर पर मौजूद है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने मुंबई पुलिस को बताया है कि उनकी मौत में कोई साजिश नहीं है। वे नहीं चाहते कि एक्टर की मौत को लेकर अफवाहें उड़े। परिजन अभी भी कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से हर किसी को बड़ा झटका लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार सुबह हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला को मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कोई दवाई खाई थी, जिसके बाद सुबह वह सोकर उठे ही नहीं। डॉक्टरों ने जहां रिपोर्ट में एक्टर की हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की है, वहीं एक और बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीती रात सिद्धार्थ शुक्ला जिस BMW कार से अपने फ्लैट में पहुंचे थे, उसका पिछला शीशा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। कार की उस हालत को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीती रात कहीं सिद्धार्थ का किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कार का पिछला शीशा टूटा? क्या उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था जिसके कारण वह डिस्टर्ब हो गए हों? वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने किसी तरह की कोई आशंका जाहिर नहीं की है। डॉक्टर निरंजन ने जांच का डेट बिफोर अराइवल घोषित किया था। फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला अपने फ्लैट चले गए और वहां जाकर उन्होंने सोने से पहले कोई दवाई खाई। जब सुबह वह सोकर नहीं उठे तो उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से पूरे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। सेलेब से लेकर फैंस तक आंसू बहा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की बहन और जीजाजी भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला तीन भाई बहनों में से सबसे छोटे थे और अपनी मां के बहुत करीब थे। अपनी मां की बदौलत ही वह मॉडलिंग में आए और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे थे।